नमस्ते दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त देव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सबका सॉल्यूशन। आज मैं आपके लिए दोस्तों बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं। बीएलओ के लिए ये शानदार वीडियो है। बीएलओ या आम नागरिक कोई भी हो जो वोटर्स है, वोट डाल सकता है, वो आसानी से घर बैठे अपने फ़ोन से पता कर सकता है कि आपका आधार कार्ड जो है वोटर कार्ड से जुड़ गया है, लिंक हो गया है या नहीं है। गरुड़ा ऐप की नई सेटिंग बीएलओ के लिए आ गई है, उसमें अब आपको वोटर लिस्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप बिना वोटर लिस्ट के किसी का किसका आधार जोड़ना है किसका नहीं, इसमें गरुड़ा की नई सेटिंग में आपको दिखाया जाएगा कि जिनका आधार जोड़ना है उनके ऐड आधार लिखा जाएगा और जिनका आधार जुड़ा हुआ है उनका लिखा जाएगा आधार रिसीव्ड। तो ये गरुड़ा की नई सेटिंग आज आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले दोस्तों, आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरे बीएलओ को ज़रूर भेजें। उसके अलावा दोस्तों, आपको जो है बीएलओ के फॉर्म 6 में अगर आपको कोई करेक्शन करना हो, आधार गलत जुड़ गया मोबाइल नंबर, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है वोटर हेल्पलाइन से किस प्रकार आधार जोड़ते हैं आम नागरिक, वो भी मैंने इस वीडियो बना रखी है। तो वो सारी वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जाकर जो है आसानी से ये वीडियो देख सकते हो और करेक्शन कर सकते हो फॉर्म 6B में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि गरुड़ा की नई सेटिंग क्या है और कहाँ पर आपको मिलेगा कि आधार उसका लिंक हो गया है या नहीं। सीधे चलते हैं हम गरुड़ा में बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे हम गरुड़ा ऐप ओपन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे देखिए, यहाँ पर पुरुष और यहाँ पर स्त्री यानी मेल फीमेल की संख्या यहाँ पर दिख रही होगी आपको। तो अब अगर आपको किसी मेल का आधार लिंक है या नहीं पता करना है या फीमेल का करना है, तो जिसका भी करना है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं पहले मेल वाले पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये मेल आ गए हैं सारे। अब देख सकते हो आप, जैसे पहला नाम आया है ये बंसीलाल का, उसके नीचे देखिए आपको अच्छी तरह से यहाँ लिखा मिल रहा है ऐड आधार, यानी कि इसका आधार अभी तक लिंक नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पर ऐड आधार लिखा आ रहा है। आप इस पर क्लिक करके उसका आधार सीधे यहीं से जोड़ सकते हो। जैसे मैं ऐड आधार पर क्लिक करता हूँ तो सीधे ये देखिए फॉर्म 6B में ले गया है। फिर नेक्स्ट करता हूँ तो ये आधार नंबर मांग रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो आधार नंबर के बाद नीचे मोबाइल नंबर मांगेंगे। श्योरली अगर मोबाइल नंबर उसके पहले से लिंक है तो यहाँ पर ऑलरेडी बताएंगे आपको, अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको डालने पड़ेंगे। तो एक ये गरुड़ा का नया फ़ायदा ये हो गया कि आपको सिर्फ अभी आधार नंबर ही डालने, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मोबाइल नंबर पहले से हमने अपडेट कर लिए थे तो यहाँ पर वो शो करेंगे ऑलरेडी। अब आपको सिर्फ आधार नंबर डाल के फिर प्लेस डालना है नीचे और डन करके नेक्स्ट कर देना, कन्फर्म कर देना है। तो बहुत आसान है दोस्तों। अब आपको मैं एक बता देता हूँ कि मैंने आपको कहा था कि वोटर लिस्ट की साथ में ज़रूरत नहीं है, तो कैसे। मान लो अगर आपको किसी नागरिक का जो है आधार लिंक करना है और आपके पास वोटर लिस्ट नहीं है, तो ऊपर यहाँ पर सर्च बार दिख रहा है आपको, यहाँ पर उसका नाम आपको सर्च करना है। हिंदी इंग्लिश किसी में भी करिए, नाम आ जाएगा। जैसे मैंने सर्च किया है बक्सा राम नाम से, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बक्सा नाम, एक तो बक्सा राम लुम्बा राम आ गया। अब आगे चलेंगे देख, दूसरा बक्सा राम ओम प्रकाश आ गया, तीसरा बक्सा राम, जरा जितने भी बक्सा राम हैं आपके सारे आ गए। इसमें देखिए सब के नीचे ऐड आधार लिखा आ रहा है, यानी कि इन सब का आधार जो है लिंक करना है। तो आप यहाँ पर ऐड आधार पर करके बिना वोटर लिस्ट के भी जो है आधार कार्ड लिंक कर सकते हो सीधे फॉर्म 6B में। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जिनका आधार लिंक हो गया वो कैसे पता चलेगा। तो वापस आपको पुरुष या स्त्री मेल फीमेल पर जाना है और जैसे जिसका आधार लिंक हो गया ऊपर सरका के देखो कि ये आया है दिनेश बंसीलाल का लिंक हो गया, तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर में लिखा आ रहा है आधार रिसीव्ड, यानी इसका आप आधार दोबारा नहीं जोड़ सकते, इसका आधार लिंक हो सका है। तो आप किसी का भी नाम सर्च करोगे अगर उसके नीचे आधार रिसीव्ड लिखा आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि उसका आधार जुड़ गया है, और ऐड आधार लिखा आ रहा है तो उसका आधार आपको जोड़ना है। तो बहुत ही अच्छी गरुड़ा की ये नई सेटिंग आई है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपके प्ले स्टोर में जाके गरुड़ा सर्च करके उसको अपडेट कर देना है। जैसे ही आप अपडेट कर दोगे तो ये नई सेटिंग आपके फ़ोन में आ जाएगी। तो ये देख सकते हो बहुत ही आसान है, कोई भी व्यक्ति कोई भी बीएलओ आसानी से
पता कर सकता है किसका आधार लिंक हो गया और किसका नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें।